बैक इन टाइम पीपल यूज टू टेक दिस गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ऐसा एजुकेशन जो सबके लिए सेम था, फिर वो नॉर्मल पर्सन हो या राजा महाराजा का लड़का हो, सबको उसी गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन से पढ़ना पड़ता था. दे हैड टू सैक्रीफाइस एवरीथिंग, यू नो, वो महल का ऐशो आराम या फिर वो लाइफ स्टाइल, वो खाना पीना, दे हैड टू सैक्रीफाइस एंड गेट आउट ऑफ दैट कम्फर्ट जोन सो दैट दे कुड गेट गुड क्वालिटी एजुकेशन. ऐसा एजुकेशन जहाँ पे बच्चों को ऋग्वेद जैसे बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स मुंह जबानी याद रहते थे, ऐसा एजुकेशन जहाँ पे बच्चों में प्रॉपर डिसिप्लिन इनकलकेट किया जाता था, ऐसा एजुकेशन जहाँ पे बच्चों को कोई स्ट्रेस नहीं था, दे यूज टू हैव दैट स्माइल ऑन देयर फेस एंड एक काम डाउन एटीट्यूड हुआ करता था. कट टू टूडे. अपन आप खुद का एग्जाम्पल ले लो, एज सी ए स्टूडेंट्स, अपने एग्जाम्स के लिए कुछ डेढ़ महीना बचा है. वी आर स्टिल लैकिंग दैट सीरियसनेस, वी आर स्टिल लैकिंग दैट डिसिप्लिन. एवरी सिंगल डे अपन ये बोलते हैं कि पढ़ाई कर रहे याद नहीं रह रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं फोकस नहीं लग रहा है. तो ऐसा क्या हो गया यार, ऐसा क्या हो गया ओवर द ईयर्स कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग, इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन दैट कम्फर्ट जोन, वी आर लैकिंग फोकस एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स आर गोल. सो आई रिसर्च गाइज, आई प्रॉपरली रिसर्च के ऐसा क्या हो गया एंड इसी पे ये वीडियो है. ऐसे टेक्निक्स, ऐसे स्ट्रैटेजीज जो गुरुकुल सिस्टम के टाइम पे अप्लाई किए जाते थे, अपन अप्लाई करेंगे अभी नेक्स्ट 45 डेज में, दैट इज जस्ट गोइंग टू चेंज एवरीथिंग फॉर यू. सो मुझे ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना. एंड बिफोर बिगनिंग द वीडियो, आई वांट टू आस्क यू वन क्विक क्वेश्चन, डिड यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल? इफ नॉट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गाइस, आई एम वर्किंग डे इन एंड आउट कंडक्टिंग दीज रिसर्चेस, कंडक्टिंग एवरी पॉसिबल मींस जिससे आपका फायदा हो. एंड बहुत सारे वीडियोस ऐसे लाइन अप है चैनल पे, आईसीआई वेबिनार के समरीज, आईसीआई नोटिफिकेशंस टू मोटिवेट यू, या फिर ऐसे स्टडी प्लानर, ऐसा टाइम टू टाइम रियलिटी चेक्स इस चैनल पे आते रहेंगे टिल द डेट ऑफ योर एग्जामिनेशन. तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना. नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. अगर आपको देखना है तो 1.5 स्पीड में जरूर देखना, लेकिन बहुत यूजफुल रहेगा, एंड तक देखना. नंबर वन थिंग, दे यूज टू हैव दिस प्रॉपर सेट रूटीन, उसके लिए एक वर्ड है विज्ञानमय. विज्ञानमय जिसको वो बोलते थे कि एक बच्चे का अगर उसको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो उसका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ इंटैक्ट चाहिए. तो तब क्या हुआ करता था, दे यूज टू वेक अप एट 3 AM इन द मॉर्निंग. उठने के बाद तुरंत उनका एजुकेशन शुरू नहीं होता था, उठने के बाद पहले वो प्राणायाम करते थे, फिर वो मेडिटेशन करते थे, फिर वो योगा करते थे, देन दे यूज टू कंडक्ट दिस चोर्स, सम चोर्स एट देयर कुटिया, वो जो भी हुआ करता था, एंड उसके बाद उनका एजुकेशन बिगिन होता था. इससे क्या होता था, दे यूज टू मेक श्योर कि योगा करके उनकी फिजिकल हेल्थ इंटैक्ट है, मेडिटेशन और प्राणायाम करके उनकी मेंटल हेल्थ इंटैक्ट है, सो दैट एक प्रॉपर बॉडी और एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ वो एजुकेशन कंज्यूम करने जाएंगे, तब उनके दिमाग में प्रॉपर फिट चीजें बैठेगी एंड वो काम डाउन एटीट्यूड के साथ चीजें ग्रास्प कर पाएंगे. कट टू टुडे. आज अपन क्या करते हैं, खुद देखना आज भी आपने क्या किया होगा. सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया, वो तो बहुत अपने अंदर कमिटमेंट होता है कि 4 बजे उठेंगे. अलार्म तो लगा लिया, लेकिन वो जब अलार्म बजा तब अपन स्नूज बटन प्रेस किया कि नहीं मुझे 100% बताना. स्नूज बटन प्रेस किया, स्नूज बटन प्रेस करते 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 सुबह की 7 बज गई. फिर हो गया अपन पैनिक की, और 7 बज गई, मुझे तो जल्दी उठना था. वो पैनिक स्टेट ऑफ माइंड में उठ गए, फटाफट कुछ ब्रश कर लिया, कुछ फ्रेशन अप हो गए, एंड देन यू स्टार्टेड स्टडिंग विद दैट रश स्टेट ऑफ माइंड. और वो रश स्टेट ऑफ माइंड में अपन बुक खोल के बैठते हैं और उसके बाद दिमाग में भी एंडलेस चैटर चलती रहती है कि यार मुझे तो 4 बजे उठना था, कल भी मैंने पढ़ाई नहीं की थी, इतना सारा सिलेबस बचा है, कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ, आरटीपी सॉल्व नहीं किया है, दिस दैट. एंड वो चैटर के साथ और वो रश स्टेट ऑफ माइंड के साथ अपन पढ़ाई करते हैं, तो आप सोचो आपके दिमाग में कितनी चीजें कंज्यूम हो पाएगी उस माइंडसेट के साथ. एंड देन वो एग्जाम में जाके अपन ब्लैंक फील करते, अरे शिट, मैंने पढ़ा तो था, क्यों याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे, क्यों याद नहीं आ रहा है, बिकॉज आधी चीजें तो ऊपर जा रही है, आधी ही चीजें कंज्यूम हो रही है. तो गाइस, बिफोर बिगनिंग टू स्टडी 1 घंटा खुद के लिए निकालो, एक आधा घंटा मेडिटेशन कर लो, आधा घंटा एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद पढ़ाई को बैठो, एंड देन देखना कि आप कितनी इजीली चीजें ग्रास्प कर पाते हो एंड कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो. नंबर टू थिंग इज संहिता. व्हाट डू आई मीन बाय संहिता, कि अपन क्या करते हैं कि चलो फटाफट पढ़ाई को बैठ गए और उसके बाद अपने को पता ही नहीं कि अपन बस आगे चले जा रहे, आगे चले जा रहे, पीछे का वॉश ऑफ हो रहा है ना. तो क्या होता था गुरुकुल के टाइम पे, दे यूज टू स्टार्ट विद संहिता. संहिता के 2 पर्पजेस होते थे, एक था रिविजन और एक था टेस्ट. रिविजन का क्या मतलब है कि कल तक जो गुरुजी ने पढ़ाया है उसको वो रिवाइज करवाते थे, सो दैट वो वॉश ऑफ ना हो जाए. अपन क्या करते हैं कि कल जो पढ़ा था वो तो पता ही नहीं, बस आगे का पढ़ते जा रहे. एंड सीए जैसा सिलेबस है यार, मैंने क्या बोला उनको ऋग्वेद जैसे स्क्रिप्चर्स याद रहते थे, बिकॉज दे यूज टू रिवाइज, उनको बार बार चैंटिंग लेते थे, उनको बोल
बोलते थे कि स्पीक अलाउड, रीड अलाउड, एंड अपन क्या कर रहे हैं, बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। सीए का सिलेबस, इट्स अ वास्ट सिलेबस, वी नीड टू रिवाइज इट कॉन्स्टेंटली। तो नंबर वन थिंग दे यूज टू डू इन द संहिता वॉज रिवाइज, एंड नंबर टू थिंग वॉज टेस्टिंग। तब क्या हुआ करता था कि बस यू नो आज के क्लासरूम्स में बस पढ़ा रहे आगे का। लेकिन तब दैट गुरुजी उनको नेक्स्ट लेसन तभी पढ़ाते थे अगर उनको लगता था कि दिस पर्सन इज एलिजिबल टू गो फॉर दैट नेक्स्ट लेसन। सो दैट वॉज द पर्पज ऑफ टेकिंग टेस्ट बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट लर्निंग या नेक्स्ट टेक्निक उनके जो भी हुआ करती थी। अपन क्या कर रहे हैं आज, यू नो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। इनफैक्ट परसों एक स्टूडेंट मेरे पास आई एंड शी सेड मी कि मैम मेरा ऑडिट हो गया है, मुझे एफएमईको का टाइम टेबल बताना। आई टोल्ड हर कि ऑडिट का एक पेपर दे देते हैं बेटा। पेपर दिया उन्होंने 100 मार्क्स का, शी गॉट 30 मार्क्स। 30 मार्क्स मिले उनको ऑडिट के पेपर में बिकॉज शी वॉज इन दिस इल्यूजन कि मेरा ऑडिट हो गया है एंड बस आगे बढ़ते जाओ। बट व्हेन शी एक्चुअली गेव द पेपर उनको रियलिटी चेक मिला कि नहीं यार कि मेरी ये गलती हो रही है, मेरे लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड देन उस हिसाब से वो लर्निंग्स उसने नेक्स्ट पेपर में भी इंप्लीमेंट करे एंड दैट वॉज अ गेम चेंजर फॉर हर। तो आप भी पढ़ाई शुरू करने के पहले रिविजन करो एंड साथ ही साथ टेस्ट दो। गाइस मैं आपको बोल रही हूँ, मेरी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज इतने सारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं एंड उनके पढ़ाई का लेवल वर्सेस स्टूडेंट्स जो अभी तक टेस्ट नहीं दे रहे उनके पढ़ाई के लेवल में बहुत डिफरेंस है बिकॉज दे आर एबल टू पिन पॉइंट देयर मिस्टेक्स। अमेजिंग फीचर्स है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला कि यू विल बी एबल टू पिन पॉइंट योर मिस्टेक्स हियर। आपके हर पेपर को हम रेड, ऑरेंज, ग्रीन कलर्स में आपको फ्लैग करके देते हैं। रेड एंड ऑरेंज स्टैंड्स फॉर अंडर परफॉर्म पेपर्स। आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी कहाँ गलती हो रही है। हम आपको असेसमेंट रिपोर्ट दे रहे हैं, असेसमेंट रिपोर्ट में आपके स्ट्रेंथ्स वीकनेस तो बता ही रहे, उसके साथ साथ हम आपको प्रॉपर रेटिंग्स दे रहे बेस्ड अपॉन योर कॉन्सेप्ट्स, बेस्ड अपॉन योर प्रेजेंटेशन, बेस्ड अपॉन योर लैंग्वेज, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि मुझे कहाँ पे 1 स्टार मिल रहा है, कहाँ पे 5 स्टार मिल रहा है, यू कैन स्टार्ट वर्किंग अपॉन इट अकॉर्डिंगली। एंड टू फर्दर डीप डाइव इनटू इट हम मिस्टेक हाईलाइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। हर टेस्ट का, हर चैप्टर के हर क्वेश्चन में बच्चे प्रिसाइसली कहाँ गलती कमिट कर रहे हैं वो इन सेशंस में हम ले रहे हैं। इससे आपको आपकी गलतियों से भी से तो सीखते ही हो आप दूसरों की गलतियों से भी सीखते हो एंड दिस इज गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर यू। आपके हर सब्जेक्ट में 10-15 मार्क्स बढ़ सकते हैं जस्ट बाय अटेंडिंग दीज सेशंस। सो स्टूडेंट्स को बहुत यूजफुल रह रहे ये सेशंस। इसके साथ साथ 2-3 दिन में हम आपको पेपर चेक करके दे देते हैं। आईसीआर लेवल के पेपर सेट किए जाते हैं सो दैट ये 50 डेज में यू गेट पम्प्ड अप एंड चार्ज्ड अप कि मुझे वो एग्जाम के हिसाब से पेपर देना है। सो वो आपको प्रिपेयर करता है, एग्जाम रेडी करेंगे ये पेपर्स। जैसे ही आप आपके एडमिन पैनल पे लॉग इन करते हो आपको एक प्रोग्रेस बार दिखता है, आपको समझ में आता है कि मैंने कितने टेस्ट दिए, कितने टेस्ट देने बचे। तो दैट एक्ट्स एज अ रियलिटी चेक। आपके हर क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर्स, आपके आंसर शीट्स एक ही जगह पे स्टोर्ड है, पर्सनलाइज्ड एडमिन पैनल मिलता है आपको यहाँ पे। सो दैट अभी सितंबर, अक्टूबर मंथ में अगर आपको देखना है कौन से पेपर में, कौन से चैप्टर में मैंने क्या गलती की थी, आप इमीडिएटली देख सकते हो यहाँ पे। एक्सट्रीमली अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज है। इनफैक्ट अभी हमारा एक चैलेंज चल रहा है 50 डे 50 टेस्ट। सो इफ यू आर रेडी टू बी द पार्ट ऑफ दिस चैलेंज, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फॉर द नेक्स्ट 50 डेज आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दिस हैशटैग 50 डे 50 टेस्ट चैलेंज, इट्स गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, गो चेक इट आउट प्लीज। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट चैप्टर, खुद को टेस्ट दो, खुद को रियलिटी चेक दो, सो दैट यू अंडरस्टैंड योर एलिजिबिलिटी एज वेल। सो बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। तो संहिता वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट डूइंग। इनफैक्ट आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मुझे बोलो बिफोर इवन यू सी द अपकमिंग वीडियो कि अपकमिंग फ्यू डेज में मैं एक चीज कमिट करती हूँ मैम, आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। और जो मैं ये गलतियां बोल रही हूँ आपको, ये आप अवॉइड करोगे। नंबर 3 थिंग विच इज अगेन, बहुत आपने सुना होगा ये स्टोरी के बारे में, स्टोरी इज बेस्ड अपॉन फोकस। अभी फोकस का क्या मतलब होता है, आपने वो अर्जुन की स्टोरी सुनी होगी कि एक बार द्रोणाचार्य अपने सब शिष्यों को लेकर गए थे एक बागीचे में और उन्होंने सामने एक डमी बर्ड रख दिया था और सबको पूछा कि तुमको क्या दिख रहा है। तो किसी ने बोला लीव्स दिख रहे हैं, किसी ने बोला फ्रूट्स दिख रहे हैं, किसी ने बोला वेजिटेबल्स दिख रहे हैं, दिस दैट। तब जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पूछा कि तुमको क्या दिख रहा है, तो उसने बस एक चीज बोली कि मुझे वो बर्ड की आई दिख रही है सिर्फ। द्रोणाचार्य ने उनको कंफ्यूज करने के लिए पूछा तुमको कुछ नहीं दिख रहा है, लीव्स नहीं दिख रही है, ट्री नहीं दिख रहा है, फ्रूट्स नहीं दिख रहा है। उसने बोला नहीं, मुझे बस बर्ड की आई दिख रही है। एंड फिर द्रोणाचार्य ने उनको बोला शूट एंड ही हिट दैट बुल्स आई। ही वाज एबल टू हिट दैट बुल्स आई बिकॉज़ देयर वाज नो नॉइस अराउंड। अपन पढ़ाई करते टाइम आज क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए बैठे हैं, दिमाग में 100 चीजें चल रही है कि मुझे ये फंक्शन भी अटेंड करना है, मुझे सीरीज भी देखनी है, मुझे यूट्यूब वीडियो भी देखना है, मुझे यू नो फ्रेंड्स के साथ भी चिटचैट करना है, मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ भी मैसेजिंग करना है,
ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड स्टडीज. अपन स्टडीज को हमेशा बैकसीट रख रहे हैं बिकॉज कोई फोकस्ड अप्रोच नहीं है. अर्जुन वॉज एबल टू हिट दैट बुलसाई बिकॉज ही वॉज फोकस्ड. आपको भी आपके पढ़ाई के टाइम ये एक चीज मेक श्योर करनी है कि वी आर गोइंग टू हिट द बुलसाई, वी आर गोइंग टू पास दीज एग्जामिनेशन. अगर सब नॉइज को अपन डीक्लटर कर देंगे तो बस आप और आपकी पढ़ाई. देर शुड बी नथिंग बिटवीन यू एंड योर गोल्स नाउ. अरे सीरीज कैन वेट, अरे फ्रेंड्स कैन वेट, अरे रिलेशनशिप्स कैन वेट. दिस इज द टाइम टू स्टार्ट स्टडिंग इफ यू वॉन्ट टू हिट दैट बुलसाई, इफ यू वॉन्ट टू सी दैट पास ऑन योर मार्कशीट दिस टाइम. एंड द लास्ट थिंग इज एक्टिवेट योर सेंसेस. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू एक्टिवेट योर सेंसेस बिकॉज तब गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. तब वो क्या करते थे कि बच्चों को बोलते थे कि आप ये स्क्रिप्चर रीड करो, ये एक वर्ड मैं आपको देता हूँ ये स्किप करो, इसके साथ साथ पीछे घंटी बजेगी, आपको ये काउंट करना है कि वो घंटी कितनी बार बज रही है. तो इससे वो लोग क्या करते थे कि एक बच्चे की ब्रेन कैपेसिटी बढ़ाते थे. अपन क्या कर रहे हैं आज के डेट में, पढ़ाई कर रहे, सामने फोन रखा हुआ है, फोन देख रहे, स्क्रोल कर रहे, रील्स है, शॉर्ट्स है, रैंडम वीडियोस है, इससे अपन अपनी ब्रेन की कैपेसिटी डिप्लीट कर रहे हैं. आपको क्या करना है, स्टे अवे फ्रॉम स्क्रीन्स. जैसे मैंने बोला दीस पीपल वर डिसिप्लिन, दीस पीपल यूज टू रिमेंबर एवरीथिंग बिकॉज उनकी ब्रेन कैपेसिटी ये लोग एनहेंस करते थे रेगुलर बेसिस पे. आपको भी सेम चीज करना है. स्टॉप स्क्रोलिंग, स्टॉप जस्ट लुकिंग अराउंड, स्टॉप जस्ट सीइंग दैट रील. आपको ब्रेन कैपेसिटी एनहेंस करने के लिए जब भी आप ब्रेक्स लेते हो, स्टार्ट प्लेइंग सुडोकू, स्टार्ट प्लेइंग पजल, स्टार्ट प्लेइंग चेस. ऐसी चीजें जो आपकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ाएगा, आपकी फोकस, आपकी इफिशियंसी लेवल्स बढ़ाएगा. स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स इन ब्रेक्स. इनफैक्ट स्टे अवे फ्रॉम स्क्रीन्स. सो ये सब चीजें अगर आप करोगे कि आप प्रॉपर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, संहिता रिविजन और टेस्ट दे रहे हो, उसके साथ साथ फोकस, यू आर डीक्लटरिंग एवरीथिंग, और उसके साथ यू आर एक्टिवेटिंग योर सेंसेस बाय डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव एंड एक्टिवेटिंग योर ब्रेन बिकॉज योर ब्रेन इज द सुपर पावर. अच्छा उसमें एक और चीज उन्होंने बताई कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है जो आपको पुश करता है और पंप्ड अप रखता है. तो जब भी पढ़ाई को बैठते हो ना, स्टे इरेक्ट. पढ़ाई करते टाइम एक इरेक्ट पोजिशन में बैठो प्रॉपरली, तो वो आपका ब्रेन और एनहांस करेगा और ये जो सुपर पावर है ना अपना ब्रेन, वो प्रॉपरली चैनलाइज होगा एंड प्रॉपरली आपको फोकस रहने के लिए हेल्प करेगा. सो यस गाइज, दिस वॉज अ प्रॉपर रिसर्च बेस्ड वीडियो. गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वर्सेस आपका सी ए स्टडीज आप कैसे कंबाइन कर सकते हो, एंड दिस टाइम विल मेक श्योर दैट वी पास द एग्जामिनेशन. सो दिस वॉज एन अटेम्प्ट टू डू दैट. आई होप यू लाइक इट. ऑल्सो आई हैव गॉट वन सुपर डुपर बंपर अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. अनअकैडमी का 7 डे का सब्सक्रिप्शन आपको एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. यस यू हर्ड मी राइट, 7 डे का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट. बट इसमें कैच ऐसा है कि आज का डेट 5th of September इज द लास्ट डेट ऑन द डेट विच यू कैन अनलॉक द सब्सक्रिप्शन फॉर एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए और सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए लिंक्स दे रही हूँ. यू कैन गो एंड राइट अवे अनलॉक योर फ्री सब्सक्रिप्शन. गाइज इसके अल्टीमेट बेनिफिट्स है, अनलिमिटेड बेनिफिट्स है. आप सोचो आप नवंबर में एग्जाम्स दे रहे हो, आपको लग रहा था कि मेरी पढ़ाई तो हो चुकी है बट सिर्फ ये चीजों के मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो लो यार ये 7 दिन का सब्सक्रिप्शन ले लो और एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कोई भी क्लास देखनी है, कोई भी कॉन्सेप्ट देखना है, कोई भी रिविजनरी लेक्चर देखना है देख लो. कोई थियोरी पेपर है, EISSM है, ऑडिट है, लॉ है, अगर आपको लग रहा है खुद से पढ़ाई नहीं हो रही थी तो फ्री सब्सक्रिप्शन ले लो और एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट में लेक्चर्स देख लो और पढ़ाई खत्म कर लो एक हफ्ते में. तो इट्स अमेजिंग अमेजिंग. सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स आपकी एग्जाम दिसंबर में है, लेकिन इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू दैट फ्लो ऑफ स्टडीज, अगर आपको लग रहा था कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है यार, मुझे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैथ्स में कम मार्क्स मिले, तो ले लो फ्री सब्सक्रिप्शन 7 दिन में, यू कैन फिनिश इट ऑफ. सो इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों लिंक्स दे रही हूँ. RCH10 कोड यूज करो एंड अनलॉक योर फ्री सब्सक्रिप्शन एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए 7 दिन यू कैन अवेल दिस ऑफर. सो या आई विल सी यू सुपर सून. विश यू ऑल द बेस्ट. टाटा.